वेलकम टू सिंपली लक्ष्मीज लाइफ। और कृति रेडी हो गई है। बेचारी का तबीयत तबीयत ठीक है। हाँ। Hey guys, good evening. So, अभी हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होके जा रहे हैं। कृति का एक म्यूजिक का प्रोग्राम है। वो रही कृति। हेलो बोल दो सबको। हेलो। और एडवांस में थैंक यू भी बोल दो। थैंक यू। हाँ, क्योंकि कृति का ये लॉकडाउन के बाद फर्स्ट म्यूजिक का कुछ इवेंट है जो वो जा रही है करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और उसका ना तबीयत ठीक नहीं है। सो हम लोग बहुत डरे हुए थे कि वो कर पाएगी या नहीं, जा पाएगी या नहीं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो जाए, एटलीस्ट ज्वाइन तो करे, पार्टिसिपेट तो करें। तो इसके लिए उसको लेके जा रहे हैं, गार्गल वगैरह सारा कुछ करवा के लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो इस रोड पे ना हम लोग बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। इस रोड पे मैंने स्कूटर सीखा था और तब रास्ता ना बहुत खराब था। अभी नया रास्ता बना दिए। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब इसको खोदेंगे क्योंकि बैंगलोर में जब भी नया रास्ता बनता है ना, खोदने के लिए आ जाते हैं। तो वही हम लोग वेट कर रहे हैं कब इसको खोदेंगे। यहाँ पे हम लोग ना कार प्रैक्टिस के लिए आते थे। ये कभी मैंने शेयर नहीं किया है। ये साइड में स्टेशन है जो हमारे घर से दिखता है। आवाज भी आता रहता है यहाँ का, है ना, स्टेशन का, ट्रेन का आवाज आता रहता है। उनका पहला ऑफिस था, मतलब इससे पहले वाला ऑफिस था, है ना। तो हम लोग आखिर में पहुंच गए यहाँ पे। हाँ, ये जगह बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ, सच में बहुत अच्छा जगह है। जंगल जैसा है। पहले तो जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसा है। कृति बोल रही है पहले तो जाएंगे फिर पता चलेगा कैसा। विश्वास किया। थैंक यू। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे कृति का म्यूज़िक प्रोग्राम होने वाला है। और ये जगह आके ना बहुत अच्छा लग रहा है। घर का स्टाइल जो है, मतलब स्कूल का स्टाइल जो है ना, एकदम केरला स्टाइल में है। केरला में जिस टाइप का घर रहता है ना, उस टाइप का मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं और कृष्णादी हम दोनों वही डिस्कस कर रहे थे। कृष्णादी भी आई हुई है क्योंकि उनकी बेटी रिद्धिमा है। ये दोनों और उन लोगों का और एक फ्रेंड है आयुष, तीनों मिलके कोरस परफॉर्म करने वाले हैं। और यहाँ आके मुझे मिली गीतिका जो हमारे वीडियोस देखते हैं। और थैंक यू गीतिका, और तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सो बहुत बातें की है। गीतिका भी परफॉर्म करने वाले थे। विद्या इज योर स्कूल, वी हैव कम हियर फ्रॉम विच स्कूल, वी आर फ्रॉम आनंद ध्वनि। आनंद मीन्स वर्ल्ड, हैप्पीनेस ध्वनि मीन्स वर्ल्ड। Voice, it's a happiness tone. Basically, it is a combination of two ragas, Anandi Kalyan and Hamsa Dhwani. और अभी जो दिया जला रहे हैं वो है कृति के गुरुजी प्रवीण भट्टाचार्य। आरुष, अतुषि एंड रिधिमा, प्लीज कम ऑन द डांस। दे आर गोइंग टू डू अ हिंदुस्तानी vocal music. Anyway, let me introduce myself. I am Dr. Simantini Desai, student of Sri Praveer Bhattacharya from Anand Dhwani. Thank you.
What a wonderful performance that was. Just be seated. Another little girl is going to give you the mementos. Here she is, Sanjana. Give this to Atoshi. This one to Ridhima. Ladies and gentlemen, give them a big hand. They sang so well. And the second one is Meera Bhajan. हम लोग घर रिटर्न जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में हम लोग चाय पियेंगे क्योंकि दोपहर को मतलब 3:30 बजे हम लोगों को निकलना हुआ, तो इसके लिए चाय नहीं पिए हैं, है ना। तो हम लोग रास्ते में चाय पी के घर जाएंगे। और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद लॉकडाउन के लिए ना 2020 में स्टार्टिंग में हो गया था, मतलब एक प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। इसीलिए ना 2 साल कुछ भी नहीं था, तो इस साल बहुत दिनों के बाद ये प्रोग्राम होके ना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना मंदिर के सामने कितना अच्छा गेट बनाया गया है, आप देख सकते हो, पूरा ना फ्लावर से बनाया है और बहुत अच्छा लगता है देखने में ये। हम लोग अभी अतनु के ऑफिस के पास है, और अतनु जहाँ पे ना चाय पीने के लिए आता था ब्रेक टाइम में, तो वही चाय पॉइंट में हम लोग चाय पियेंगे आज। चलिए, 2 साल बाद आ रहा हूँ। हाँ, कैसे है? अच्छा है। और हमने समोसा ले लिया है, कार में खाएंगे। प्रीति को बहुत जोर भूख लग रही है, बहुत जोर भूख लगी है। चलो जल्दी जल्दी चाय फिनिश कर लेते हैं। हाँ। ये हमने लिया है ब्रेड चॉप, मिर्ची भजी और समोसा है। और ये चाय हमने पिया था ना, उसी में हमने चटनी भी डाल दिया है। कैसे बना है? मस्त बना है ना। कैसा है? अभी तो फिलहाल लॉकडाउन के चक्कर में बंद होगा, ऑफिस टाइम में इतना भीड़ होता है ना, लगभग चार पाँच बजे यहाँ पे एकदम पूरा मेला लगा हुआ रहता है, इतना रश रहता है। और समोसा कैसे बना है? मजा आ गया, सब 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 यम्मी लग रहा है। तो वहाँ से निकलने के बाद अभी घमासान ट्रैफिक है, अभी बैंगलोर का ट्रैफिक दिखाता हूँ आप लोग को। ये रहा ट्रैफिक, आगे पीछे दाएं बाएं हर एक जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक, आगे पीछे जहाँ जगह मिला सब घुस के। इसीलिए तो अतनु का मतलब मैं मिस करता हूँ। क्या हो रहा है कृति? कृति इतना बोर हो गई कि वो हरे राम गा रही है।